अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास एक्सरसाइज 3.5। जिस तरह हर इंसान की जान उसके दिल में है, इसी तरह 3 चैप्टर की जान आपके पास 3.5 में है। हम इसको करेंगे बड़े डिटेल के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.5 की, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। सबसे जो पहला वाला क्वेश्चन है वो है आपके पास बाय क्रैमर रूल। सेकंड वाला क्वेश्चन है वो है हमारे पास बाय मैट्रिक्स। थर्ड वाला है एचिलन एंड ड्यूज एचिलन फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। देन है आपके पास नॉन ट्रेवियल सॉल्यूशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड द लास्ट वैल्यू इज डज नॉट पोजेस अ यूनिक सॉल्यूशन। अब हम सबसे पहले बात करेंगे 10 बाय 10 की। सबसे पहले हम बात करेंगे यूजिंग द क्रैमर रूल, ठीक है। अब इस क्रैमर रूल में क्या है, सबसे बेसिक जो चीजें हैं मैं पहले वो बताना पसंद करता हूं आपको, वो क्या है हमारे पास। सबसे पहले देखें, अगर आपको 3.5 में अगर सिर्फ फार्मूले की समझ आ गई ना यार, के फार्मूले हमने कौन सा फार्मूला कहाँ लगाना है, कौन सा फार्मूला कहाँ लगाना है, ज्यादा बेहतरीन हल हो जाएगा। अब देखें सबसे पहले क्रैमर रूल। क्रैमर रूल जब भी माइंड में आए तो आपके माइंड में एक फार्मूला आना चाहिए कि यार यहां पे हमने 4 डिटर्मिनेंट फाइंड्स करने हैं, ठीक है। देन आपके पास क्या है, सोल्व द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वाला फार्मूला जब आपके माइंड में है, चले मैं साथ साथ लिख देता हूं। जब आपके पास क्रैमर रूल्स का है तो आपने माइंड में कर लेना है यार 4 डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। अभी मैं बताता हूं आपके पास कैसे मैट्रिक्स में आपने क्या फाइंड करना है। ए का इनवर्स का फार्मूला हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ये इनवर्स का फार्मूला है मैट्रिसेस का। और होमोजीनियस का फार्मूला जो आपने फाइंड करना है वो हमारे पास क्या होगा, एक्स वन ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अभी हमारे ये हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, ये हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, और ये हम यूज करेंगे 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास बाय यूजिंग क्रैमर रूल, हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है ये 1, ठीक है, यूज नंबर 2 है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बोला जब भी आपके पास क्रैमर रूल आए तो आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए कि हमें 4 डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहला वाला डिटर्मिनेंट, फिर सेकंड डिटर्मिनेंट क्या होगा, फिर थर्ड डिटर्मिनेंट क्या होगा। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये है हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि ऐसी मसावात जिसका दर्जा हमारे पास या जिसकी डिग्री हमारे पास क्या हो, सिर्फ 1 हो। यानी कि ऐसी मसावात जिसकी डिग्री हमारे पास 1 हो वो हमारे पास क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन। और हमें यूज क्या करना है, क्रैमर रूल, ठीक है। सबसे पहले देखें हमें क्या क्या चीजें फाइंड करनी होंगी इसमें। x1 फाइंड करना होगा, x2 फाइंड करना होगा, x3 फाइंड करना होगा, और ये हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले देखें अगर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, अगर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट होता है ना इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट के सिंबल्स हैं। सबसे पहले हम इस इक्वेशंस को रिटर्न करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। सबसे पहले हम यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे यार रिटर्न इन द मैट्रिक्स फॉर्म, कॉलमों की शक्ल में लिखने से। सबसे पहले इक्वल के दोनों तरफ आप मैट्रिसेस के लगाएं, 2 4 3, इधर आ जाएगा -1, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा -4, इधर आ जाएगा हमारे पास 1, इधर आ जाएगा 3, और इधर आ जाएगा -1 एज इक्वल टू, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 8 3, ठीक है। अब देखें सिर्फ मैंने क्या किया है, x1 के साथ जो भी कॉन्स्टेंट था उसको सेपरेट कर दिया, x1 के साथ जो कॉन्स्टेंट था सेपरेट कर दें, x1 के साथ हमारे पास जो कॉन्स्टेंट था सेपरेट कर दिया, और इसके बाद x2 के साथ कॉन्स्टेंट क्या था, -1, x2 के साथ कॉन्स्टेंट क्या था, +2, x2 के साथ कॉन्स्टेंट क्या था, -4, इधर x3 के साथ कॉन्स्टेंट क्या था, 1, x3 के साथ कॉन्स्टेंट क्या था, 3, और x3 के साथ क्या था हमारे पास, जहां पे कोई साइन ना हो कॉन्स्टेंट का वहां पे अल्लाह की तरफ से क्या होता है, -1, ठीक है। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की फॉर्म आ गई, ठीक है। अगर हम ऐसा करते हैं क्या करें, यहां से हमने सेपरेट क्या कर दिए, हमने सेपरेट कर दिए सिर्फ आपने ए को यानी कि कॉन्स्टेंट को, ठीक है। और हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x1 की, x2 की, x3 की। चलिए हम ऐसा करते हैं इसको नाम दे देते हैं ए का, 2 4 3, -1 2 -4 1 3 -1, ठीक है। अगर आप ऐसा करें, यहां से अगर हम ऐसा करते हैं x1 x2 भी निकाल ही लेते हैं, उनको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख ही देते हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं है। यहां पे हम ऐसा करते हैं x1
इधर आ जाएगा एक्स टू, इधर आ जाएगा हमारे पास एक्स थ्री, और इधर हमारे पास लास्ट में क्या आ गया 583। ठीक है, अब हमने इसको क्या नाम दे दिया ए का, इस सारे डिटरमिनेंट को आपने क्या नाम दे दिया ए का। अब हम इसको एक्स को नाम दे देते हैं, अल्लाह आपकी खैर करे, एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री। ठीक है, और लास्ट वाले को हम क्या नाम दे रहे हैं यार, 583। ठीक है, तीनों हमारे पास एक कंप्लीट मैट्रिक्स इसी फॉर्म में आ गए। सबसे पहले कांस्टेंट को लग कीजिए, वेरिएबल्स को लग कीजिए जो हमने फाइंड करने हैं, और इस कांस्टेंट को लग कर दीजिए। फिर इसको हमने नाम दे दिया ए एक्स और बी का। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें निकालना है क्रैमर के लिए ए का डिटर्मिनेंट। अब हम इसको लगाते हैं लेट डिटर ए का डिटर्मिनेंट, लेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहां भी स्ट्रेट लाइंस लगा दें, और इधर भी हम 2, 4, 3 माइनस 1, 2 माइनस 4, 1, 3 माइनस 1, ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में। अब हम इसका यूज करेंगे, डिटर्मिनेंट लेते हैं। अब हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, ये आप पिछले एक्सरसाइज में देख चुके हो। अगर हम एक्सपेंड करें रो वन की सेंस में, तो 2 बाहर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट का क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या रह गया 2, इधर आ जाएगा हमारे पास फिर माइनस 4, इधर आ जाएगा हमारे पास 3, और इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस 1। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, बाकी हमारे पास क्या रह गया 2, 3, यानी कि उसी के को फैक्टर 2, 3 माइनस 4, 4, और यहां पे माइनस को फैक्टर का और उसके साथ अपना भी माइनस 1 लगा हुआ है, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा फिर 4, यानी कि ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम उड़ गया, बाकी क्या रह गया 4, 3, इधर आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा माइनस 1। ठीक है, लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 1, और कोफिशिएंट डिटरमिनेंट इसके को फैक्टर क्या आ गए 4, 2, और इधर हमारे पास क्या आ गया 3 माइनस 4, ब्रैकेट करें क्लोज। ठीक हो गया, इसके बाद हम डिटरमिनेंट लेते हैं। अब इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा 2, 1 द, इस फर्स्ट वाले डायगोनल को फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2, 1 द 2 माइनस 2 माइनस डिटरमिनेंट का, इधर हमारे पास क्या आ गया माइनस 4, 3 द 12 आ गया, ब्रैकेट करें क्लोज। माइनस माइनस प्लस 1, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 1 द 4 माइनस 4 माइनस डिटरमिनेंट का 3, 3 द 9, इधर आ जाएगा प्लस 1। अब इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 4 द 16 माइनस 16 माइनस डिटरमिनेंट का 3, 2 द 6। अच्छा, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 2, 2 माइनस माइनस प्लस 12, इधर आ जाएगा हमारे पास प्लस 1, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 9 में प्लस किए 4 को 10, 11, 12, 13, इधर आ जाएगा माइनस 13, इधर आ जाएगा प्लस 1। जब हम 16 में जमा करेंगे माइनस माइनस प्लस साइन भरी वैल्यू का 16, 17, 18, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यहाँ पे आ गया हमारे पास 22। जब हम इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास प्लस 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस, इधर आ जाएगा यार हमारे पास प्लस माइनस माइनस, इधर आ जाएगा 13, ब्रैकेट प्लस, इधर आ जाएगा हमारे पास 22। ठीक है, अब हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो 2, 10, 20 माइनस 30 प्लस 22, आंस हमारे पास क्या आ गया, आंस हमारे पास क्या आ गया यार, इधर आ जाएगा हमारे पास 10, 2, 20 माइनस 13, और इधर आ जाएगा हमारे पास, इधर आएगा साइन माइनस माइनस प्लस, साइन भरी वैल्यू का रखें, साइन भरी वैल्यू का, इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस। ठीक है, माइनस 22 में से 2 माइनस किए, बाकी बचे 2, और माइनस 2 और माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस 15, हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, अब आगे देखें अगला वाला जो स्टेप है, यहाँ पे हमारे पास माइनस 15 आंस आ गया ना इस वाले डिटरमिनेंट का। अभी हमारे पास सिर्फ एक डिटरमिनेंट आया, इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास 3 डिटरमिनेंट रहते हैं, किस किस वैल्यू के रहते हैं, हमें अभी चाहिए x1 चाहिए, x2 चाहिए, x3 चाहिए, x1 चाहिए, x2 चाहिए, x3 चाहिए, 3 डिटरमिनेंट अभी हमने मजीद निकालने हैं। सबसे पहले हम करते हैं क्या भला, देखें हमें चाहिए x1। अब x1 के लिए आपने कैसे डिटरमिनेंट को जनरेट करना है वो सुन लीजिए, हमें चाहिए x1, तो इसमें डिटरमिनेंट आपने कैसे लेना है वो जरा ट्रिक के साथ आपने सीखना है। इसके बाद आपने y, यानी कि अगर xyz की सेंस में है तो हमारे पास क्या आ जाएंगे फिर xyz। अब यहां पे क्या आएगा हमारे पास x2 आ जाएगा। अब x2 हमें चाहिए और इधर से हमें क्या चाहिए होगा, इधर से अल्लाह आपकी खैर करे x3 चाहिए होगा। इसी का भी हम डिटरमिनेंट लेंगे, एक डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट,
अब देखें, अब यार इसकी वैल्यूज हम कैसे पुट करेंगे, जब आपके पास एक्स वन फाइंड करना होगा, जब आपने एक्स टू फाइंड करना होगा और जब आपने एक्स थ्री फाइंड करना होगा, ठीक है, तो यहां पे ऊपर वाली डिनोमिनेटर साइड पे आपने कौन सी वैल्यूज लगानी है वो देखें। एक्स वन कहां कहां पे है, एक्स वन, एक्स वन यहां पे है, एक्स वन यहां पे, एक्स वन यहां पे है, ठीक है। एक्स वन की रिप्लेस पे आपने क्या पुट कर देना है, सिर्फ और सिर्फ बी पुट कर देना है। एक्स वन की रिप्लेस में आपने क्या पुट करना है, सिर्फ और सिर्फ बी की वैल्यू पुट करनी है। एक्स वन की रिप्लेस पे आपने क्या पुट करना है, बी की वैल्यू रिप्लेस करनी है, ठीक है। एक्स वन की रिप्लेस पे आपने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, बी की वैल्यू पुट करनी है। कहां कहां पे है एक्स वन, सबसे शुरू में है ना एक्स वन, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइव एट थ्री, ठीक है। एक्स वन की रिप्लेस में किसकी वैल्यू पुट कर दी आपने, बी की, और बाकी वैल्यू वैसे की वैसी लिख दें, यानी कि इधर हमारे पास क्या आ जाएगा फिर माइनस वन, इधर आ जाएगा हमारे पास टू, और इधर आ जाएगा फिर माइनस फोर, लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास थ्री, और इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस वन, ठीक होगी बात। अच्छा अब देखें, ये डिटर्मिनेंट की जगह मैं यहां लिख सकता हूं क्या भला, माइनस फिफ्टीन आ तो गया, ठीक है, एक डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। अब आपने इसको वर्टिकल्स नहीं करना, आपने अपने रजिस्टर पे इसको सॉरी आपने इसे वर्टिकल्स नहीं करना, आपने इसे हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करना है, ठीक है। अब देखें, अब इसका डिटरमिनेंट बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होगा। सबसे पहले हमारे पास अच्छा मैं एक्स टू बता देता हूं, एक्स टू हमारे पास कैसे आएगा, एक्स टू की रिप्लेस पे आपने सिर्फ बी की वैल्यू पुट कर देनी है, एक्स टू की रिप्लेस में सिर्फ बी की वैल्यू पुट करनी है, एक्स टू की रिप्लेस पे आपने बी की वैल्यू पुट करनी है, एक्स टू की रिप्लेस पे बी की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि बाकी एज इट इज आ जाएगा, यानी कि एक्स टू कहां पे है, यहां पे एक्स टू है, यहां पे एक्स टू है, यहां पे एक्स टू है, एक्स टू की रिप्लेस पे आपने क्या कर देना है, फाइव एट और थ्री, ठीक है। बाकी हमारे पास वैसी की वैसी एक्स वन की वैल्यू की टू आ जाएगा, इधर फोर आ जाएगा, और इधर हमारे पास थ्री आ जाएगा, और इसके बाद हमारे पास इधर आ जाएगा वन आ जाएगा, इधर हमारे पास थ्री आ जाएगा, और इधर आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। एक्स टू की रिप्लेस पे आपने क्या पुट कर दिया, एक्स बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या थी, फाइव एट थ्री, बाकी वैल्यू वैसे की वैसे टू फोर थ्री, इधर हमारे पास वन प्लस थ्री, और इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस थ्री। तो यहां पर यार आप क्या पुट करेंगे फिर, माइनस फिफ्टीन। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, x3 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x3 की रिप्लेस पे अब आप बताएं कि क्या क्या आना है, यहां पे x3 की रिप्लेस पे सिर्फ b की वैल्यू पुट कर देनी है, बाकी एज इट इज 5 8 3, और बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा फिर 2 4 3 माइनस 1 2 एंड माइनस 4। समझ आ गई बात की, x1 जब आपने पुट करना है तो क्रैमर रूल में क्या करना है, x1 की रिप्लेस पे इस b की वैल्यू, x2 जब आपने पुट करना है xb की रिप्लेस पे इस b वाली वैल्यू, बाकी वैल्यू वैसे की वैसी, x3 की रिप्लेस पे क्या पुट करना है, x3 की रिप्लेस पे सिर्फ b वाली वैल्यू, बाकी वैल्यू वैसे की वैसी। यहां पे हमारे पास यार सॉल्व हो गया क्रैमर रूल, ठीक है। फिर आगे आप लोगों ने सीखा हुआ है कि हमारे पास 3/3 का डिटरमिनेंट किस तरह से आता है। चलें अब हम फाइंड करते हैं 5 हमारे पास को फैक्टर का, आगे इसके माइनर फैक्टर क्या निकलेंगे, 2 निकलेगा, माइनस 4 निकलेगा, 3 निकलेगा, माइनस 1 निकलेगा, ठीक है। इसके बाद माइनस माइनस वो डिटर्मिनेंट का, ठीक है, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, इधर हम ऐसा करते हैं माइनस डिटर्मिनेंट का, और यहां पे हमारे पास को फैक्टर का, और हमारे पास यहां पे रिप्लेस पे क्या आ जाएगा, 3 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 आ जाएगा, और माइनस 1 आ जाएगा, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा फिर प्लस 1 आ जाएगा। यहां पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये वाली रो और ये वाली कॉलम डिलीट कर देंगे, तो हमारे पास 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और माइनस 4 आ जाएगा, ठीक हो गया बात। अच्छा अब देखें, दोबारा देख लेते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 5 बाहर निकाल दें, बाकी इसके को फैक्टर क्या बच गए, 2 बच गया, 3 बच गया, माइनस 4 बच गया, और 1 बच गया। माइनस 1 को फैक्टर का, माइनस उसके साथ था, तो हमारे पास बाकी क्या बच गया, 8 3 3 माइनस 1, इधर आ गया हमारे पास प्लस, इधर आ गया 8 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, माइनस 4 आ गया, ठीक है। अब हम इसका सोल्व करते हैं डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 ऐसे का वैसे, इधर आ जाएगा माइनस 2 माइनस डिटर्मिनेंट का 4 3 था 12 आ जाएगा, ठीक है। माइनस ब्रैकेट करें क्लोज, प्लस 1 1 दा 1, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 8, इधर आ जाएगा माइनस डिटरमिनेंट का 3 3 दा 9 आ जाएगा, प्लस 1, इधर हमारे पास आगे क्या आ जाएगा 8 4 दा 8 8 16 16 16 32, माइनस 32 माइनस 3 2 दा हमारे पास 6 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके बाद अगर हम सोल्व करेंगे माइनस, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, नहीं यार कुछ गलत कर, ये माइनस डिटरमिनेंट का 4 3 द 12 यहां पे आएगा माइनस,
इधर आ जाएगा हमारे माइनस प्लस, इधर आ जाएगा हमारे पास फिर 10 ना, ठीक है माइनस माइनस प्लस, 10 में से 2 निकाले बाकी बचे भाई, हाँ ठीक है 10 हो गया। इधर आ जाएगा प्लस 1, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा फिर माइनस माइनस 8 16 16 दिख 17, इधर आ जाएगा माइनस 17, इधर आ जाएगा हमारे पास प्लस 1, और इधर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 38, ठीक है जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50 प्लस प्लस माइनस माइनस 17 प्लस माइनस माइनस 38, ठीक है। अब देखें अब हमारे पास क्या रह जाएगा, यहां से हम ऐसा करते हैं, फिफ्टी माइनस 17 माइनस 38 इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर माइनस 15। यार ये याद में लाजमी आपने लाजमी सब सारे स्टेप के साथ लगाना है, मैंने इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि ये स्पेस मेरे पास कम है थोड़ी सी। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5 1 5 5 5 5 1 5 5 3 15, माइनस माइनस से कैंसिल, आंसर हमारे पास क्या आ गया यार 1/3। यहां पे हमारे पास x1 का आंसर आ गया, सेम लाइक इसी तरह सेकंड वाले को भी करेंगे, सेकंड वाला हमारे पास क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा, और इसके को फैक्टर क्या निकलेंगे हमारे पास, इसके को फैक्टर यार हमारे पास फिर आ जाएंगे 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और माइनस 1 आ जाएगा, माइनस उस को फैक्टर का माइनर फैक्टर्स का, इधर हमारे पास फिर आ जाएगा 5, इसके को फैक्टर हमारे पास क्या आएंगे इधर आएंगे 4 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा और माइनस 1 आएगा, लास्ट में हमारे पास बच गया 1, और इसके को फैक्टर हमारे पास क्या आएंगे 4 आएंगे, 8 आएगा, 3 आएगा और हमारे पास फिर 3 आएगा, ठीक है। अब हम जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इधर ही सोल्व कर लें, ठीक है इधर 8 1 था माइनस 8 माइनस 3 3 था 9 आ गया, माइनस 5 इसको जब हम सोल्व करेंगे इधर आ जाएगा माइनस 4 माइनस 3 3 था हमारे पास 9 आ गया, प्लस 1 जब हम इसको सोल्व करेंगे 4 3 था 12 माइनस 8 1 था 8 8 2 था 16 8 3 था 24, ठीक हो गया। अच्छा जब हम इस ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे 2 वैसे का वैसे ही आ गया, इधर इधर आ गया हमारे पास 17, इधर क्या आ गया हमारे पास माइनस 5, इधर आ गया हमारे पास 9 10 11 12 13, इधर आ गया हमारे पास 13, इधर आ गया प्लस 1, इधर आ गया 24 में से माइनस 12 आ गया, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस 17 से 17 34 34 माइनस माइनस प्लस 65 प्लस माइनस माइनस 1 2 12 दा 12, ठीक है हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर सोल्व करके देख लेते हैं, माइनस 34 इधर है हमारे पास माइनस 34 प्लस 65 है माइनस 12 है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 19, हमारे पास आंसर आ गया 19 ओवर, वो आंसर क्या था डिटर्मिनेंट का कितने गया ये है माइनस 15, माइनस को अगर आप ऊपर कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 19 ओवर 15 हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास लास्ट में क्या रह गया ये मुन्ना काका x3 हमारे पास कैसे आएगा फिर x3 हमारे पास 2 डिटर्मिनेंट का, बाकी इसके को फैक्टर क्या निकलेंगे 2 माइनस 4 8 और 3, ठीक है इसके बाद माइनस को फैक्टर का यहां पे हमारे पास वैसे भी माइनस 1 है, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, लास्ट में हमारे पास प्लस 5 आ जाएगा, 5 के में से हम ये कॉलम और ये कॉलम डिलीट कर देंगे तो 4 3 2 माइनस 4 बच जाएंगे, ठीक है। यहां पे अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2 3 दा इधर आ जाएगा हमारे पास 2 3 दा 6 माइनस डिटर्मिनेंट का 8 1 दा 8 8 4 दा 8 1 दा 8 और 16 32 इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस इधर आ जाएगा क्या भला 32 ब्रैकेट करें क्लोज माइनस माइनस प्लस 1 इधर हमारे पास आ जाएगा 4 3 दा 12 माइनस 8 3 दा 8 1 दा 8 8 24 ब्रैकेट करें क्लोज प्लस 5 इधर आ जाएगा 4 4 दा माइनस 16 माइनस डिटरमिनेंट का 3 2 दा 6, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस इधर आ जाएगा हमारे पास 32 प्लस 1 इधर आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा है ना, हाँ जी प्लस 5 माइनस 12 आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का रखेंगे, ठीक है। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 22 आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा यार फिर इधर आ जाएगा हमारे पास 32 6 12 में से 6 जब छक्का लगे तो हमारे पास क्या आता है 18, तो इधर आ जाएगा फिर आंसर 38 प्लस 1 इधर आ जाएगा हमारे पास फिर हम इसको अगर सोल्व भी करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिर माइनस 12 प्लस 5 नहीं प्लस माइनस माइनस, ओहो इतना गंदा हो गया,
इसको मैं ऐसा करते हैं उधर जरा बड़ी वाली जगह पे लिखते हैं जरा। इधर हमारे पास टू टू 36 30 इधर माइनस मैंने 36 32 इधर आ जाए 32 32 में 4 38 प्लस माइनस माइनस 12 प्लस माइनस माइनस 22 को मल्टीप्लाई किया हमने 22 को मल्टीप्लाई किया हमने 5 के साथ, तो हमारे पास आ गया 110। ठीक है, इधर 32 को 38 को मल्टीप्लाई किया, सॉरी मल्टीप्लाई करना है हमने 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आ गया 76 माइनस 12 माइनस 110। हमारे पास क्या आ गया माइनस 12 माइनस 110, तो हमारे पास इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ गया यार हमारे पास क्या आया है -45 -46 ओवर। याद रखें कि हमारे पास यार याद रखना है कि ये जो -15 है आपने लास्ट में लगाना है -15। ठीक है, अब ये देखें माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया 45 ओवर 15। हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई, हमारे पास क्या आया, हमारे पास x1 की क्या वैल्यू आई है, x1 की याद करें, x1 की वैल्यू आई है आपके पास 1 ओवर 3, और इसी तरह x2 की वैल्यू आपके पास क्या आई है, x2 की आपके पास वैल्यू आई है -19 ओवर 15, और इसी तरह x3 की वैल्यू क्या आई है आपके पास 45 ओवर 15। यहां पे हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1 का क्रैमर रूल। याद रखें अगर इसके साथ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6, अगर आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाजमी क्लिक कीजिएगा, और अगर आपको FSC मैथ के किसी भी सब्जेक्ट की समझ नहीं आती तो मेरी वेबसाइट मैथ की दुनिया को लाजमी विजिट कीजिएगा, वहां पे सारी की सारी वीडियोस अपलोड है। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियो चाहिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 की कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं, इसी तरह एक्सरसाइज 1.2 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं, एक्सरसाइज 1.3 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिखा दूं तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर बोर्ड में जो चैप्टर नंबर 1 से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे बस, आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.1 1.2 1.3। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 के MCQs भी चाहिए, ये आप देख सकते हैं, आपको ये PDF फाइल मिलेगी MCQs की, सोल्विंग MCQs भी आपको मिलेंगे और आपको अनसोल्विंग MCQs भी मिलेंगे ऑप्शन के बगैर भी। अगर आपको MCQs चाहिए, MCQs की वीडियोस भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कोई भी वीडियो आपने डाउनलोड करनी है तो जस्ट आपने क्या करना है, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 की कोई भी वीडियो चाहिए, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 1.3 की, अगर आपको फॉर एग्जांपल लास्ट वाली वीडियो चाहिए या कोई भी वीडियो चाहिए, आपने क्या करना है, जस्ट आपने यहां से डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड एनीवे कर देना है बस। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें, एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.8 तक हमारे पास वीडियोज अवेलेबल है। अगर हम चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, चैप्टर नंबर 2 के 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड में। अगर हम चैप्टर नंबर 2 के MCQs की बात करें तो आपको ये फाइल मिल जाएगी PDF फॉर्म में, सोल्व MCQs भी मिल जाएंगे और अनसोल्व MCQs भी मिल जाएंगे और MCQs की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो 3.1 से लेकर 3.5 तक की आपको वीडियोस सारी की सारी मिल जाएंगी, 3.1 देख लें, 3.2 देख लें आप, इसी तरह 3.3 की भी सारी की सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, इसी तरह आपको 3.4 की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, इसी तरह आपको 3.5 की भी कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का ये लिंक, ये वाला जो लिंक है ऊपर, ये वाला जो लिंक अपने व्हाट्सएप पर कैसे मंगवाना है। अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4 में 4.1 देख लें, 4.1 की कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं, 4.2 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं, 4.4 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं, इसी तरह 4.5 देख लें, 4.5 की कंप्लीट वीडियोस हैं, 4.6 की कंप्लीट वीडियोस हैं, 4.7 की कंप्लीट हमारे पास वीडियोस हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम MCQs की बात करें तो आपके सामने MCQs भी आपको मिल जाएंगे PDF फॉर्म में,
इस तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5.1 देख लें, 5.2 देख लें, 5.3, 5.4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है। चैप्टर नंबर 6 देख लें, 6.1 से लेकर 6.11 तक वीडियोज अवेलेबल हैं। अगर हम 6.1 की बात करें तो 6.1 की कंप्लीट वीडियोज हैं। इस तरह 6.4 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोज आप देख सकते हैं। इसी तरह 6.6 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोज हैं। इसी तरह आपके पास एमसीक्यूज़, अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एक लॉन्ग आता है। इसी तरह अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 9.1 है, 9.2 है, 9.3 है, 9.4 की भी कंप्लीट वीडियोज हैं। इस तरह 9.3 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोज हैं। इसी तरह 9.2 की भी कंप्लीट वीडियोज हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आप देख सकते हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो 10.1 है, 10.2 है, 10.3 है, 10.4 है, 10.2 की भी कंप्लीट वीडियोज आपको मिल जाएंगी, 10.3 की भी आपको कंप्लीट वीडियोज मिल जाएंगी, 10.4 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, 10.1 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, एमसीक्यूज़ भी आपको मिल जाएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 11 भी है, चैप्टर नंबर 12 भी है, 12.1 से लेकर 12.8 तक की कंप्लीट आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसी तरह आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 13 देख लें, 13.2 देख लें, 13. इसी तरह 14 चैप्टर में अगर आपको दिखा दूं तो आप 14 चैप्टर आप देख लें, 14 चैप्टर की कंप्लीट आपको वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का ये कंप्लीट लिंक चाहिए जिससे आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं, याद रखें YouTube पर ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियोस अपलोड नहीं है। आपको YouTube से कुछ भी सर्च नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपके पास अगर ये लिंक है तो आपके पास चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का कंप्लीट कोर्स आपको आपके WhatsApp पर ये लिंक दे दिया जाएगा। नो एकेडमी, आपको कोई एकेडमी की जरूरत नहीं है। नो मैथ्स ट्यूटर, आपको मैथ्स के भी ट्यूटर की कोई जरूरत नहीं है। प्रिपेयर विद अस, यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स। आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर मैथ कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स इज ओनली 500 रुपीज़। आपको सिर्फ 500 रुपीज़ में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का कंप्लीट लिंक ये मिलेगा। अभी इस नंबर पर 03234516277 पर जैस कैश करवाएं या इजी पैसा करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें। शुक्रिया। जो हम आपको पूरी बुक का लिंक मुहैया करेंगे, इस पूरी बुक के लिंक में किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा इंशाल्लाह। यू विल गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स फॉर दिस पर्टिकुलर लिंक।